की है और वो ये है कि हम इलेक्शन में हर कीमत पर हिस्सा लें। अल्ताफ हुसैन सर, ये जो नई अदालती ताकत है, इससे फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के उस वज़ीरे आज़म यानी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब, इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आप एमकेएम के मामलात को और अपने मामलात को, क्या आपका इरादा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें? हमारे जब 1997 को फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और हजारों लोग एमक्यूएम के जवान जवान 20-20 साल, 18-18 साल, 16-16 साल, 22-30-35 साल के लोग माँ वराय अदालत कत्ल किए गए। अब उर्दू में तो आप समझ लेंगे माँ वराय अदालत कत्ल का मतलब, लेकिन इलीट क्लास के लिए मैं ये लफ्ज बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ एमक्यूएम वर्कर वर अरेस्टेड एंड दे वर एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूटेड, दे वर नेवर एवर प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और इस बात से सिर्फ मैं या आप या चंद लोग वापस नहीं है, बल्कि पिछली दफा जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के खिलाफ प्रेसिडेंशियल उन्हीं की जमात के सदर फारूक लगारी साहब ने प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, एक सदारती हुक्मराना हुक्मनामा जारी किया था बरतरफी के रीजन, तो सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता उसमें था एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन इन कराची। ये पहला नुक्ता था कि इन पे ये इल्जाम है, ना वो किसी अदालत ने उसका सू मोटो एक्शन लिया, ना उस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई, और जो हजारों मावराए अदालत कत्ल करने वाले इस पे यही जो एपीसी में जमातें नहीं बैठी थी सारी की सारी, चाहे वो दाएं की हो, बाएं की हो, या बीच की हो, जो भी हो, वो सब जो उसमें बैठी थी उस वक्त जब हमारा कत्ल आम हमारे एमक्यूएम के कारकुनों का हो रहा था, ये सब खामोश थी उस वक्त। उस तरह के कुछ कोई बयान नहीं आ रहे थे, फला मॉस्क पे ये हुआ, फला मदरसे पे ये हुआ, बच्चे मर गए, बच्चियां मर गईं, हमको भी अफसोस है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ इन बड़े बड़े जो अपने आप को दीनी आलिम कहते हैं, इनके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो लफ्ज मुल्ला हमारे मुल्क में डेरोगेटरी वर्ड, एक 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 मनफी नेगेटिव वर्ड बन गया है हमारे मुल्क में मुल्ला। तो इनमें से कोई नहीं बोला, आज एक जगह के लिए बोलते हैं, दूसरी जगह के लिए खामोश होते हैं। और जब यह कब्जा मस्जिद पर और यह मदरसे पे जो कुछ हुआ था, लाइब्रेरी पे चिल्ड्रन, उस वक्त ये सब गायब हो गए थे, उस वक्त इस्तीफे देते ना, उस वक्त कुछ करते। जब वहां पर सूरत हाल दिन ब दिन खराब होने लगी, हुकूमत ने 6 महीने तक इंतजार किया। ये जो बातें करते हैं कि हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, झूठ बोलते हैं, 6 महीने का इंतजार किया हुकूमत ने, और 6 महीने में अगर हुकूमत नहीं कर सकी थी तो आपकी पूरी एपीसी मिलकर इस मसले को क्यों ना हल कर सकी जो वहां बैठे थे। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन पे कोई नहीं बोला एमक्यूएम के कारकुनों का, मावरा दल कत्ल हुआ। उसके बाद हमने जो हमारे उसमें 28 ऐसे मिसिंग पर्सन हैं जो उनके वालिदैन घर वालों के सामने लापता हुए और उनकी उनका आज तक पता नहीं है कि वो मारे गए, उनके कब्रें कहाँ हैं अगर मार दिए गए, या वो जिंदा हैं तो किस जेल में। सारी दुनिया की जेल, पाकिस्तान की सारी जेलें देख ली, अस्पताल देख लिए, कहीं उनका कोई पता नहीं है। वो मुकदमा हमने दायर किया था
उस पर कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा दायर किया हमने 28 लापता कारकुनों का, और हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन जिनके बच्चों को उनके वालिदैन के सामने पकड़ा गया है गिरफ्तार में, वो भी लेके जाएंगे। अल्ताफ हुसैन साहब से गुफ्तगु का सिलसिला, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है।